हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या हाल चाल है यार। तो भाई अभी मैं हूँ मनाली के मॉल रोड पे, जैसा कि आप देख सकते हो सामने मॉल रोड है। तो भाई यहाँ से मैं जाने वाला हूँ नीचे कुल्लू। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में एक मनाली आने का अल्टरनेट रास्ता, जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी सेफ है नेशनल हाईवे के मुकाबले। अगर आप नेशनल हाईवे से नहीं आ रहे तो आप वाया नगर होते हुए मनाली आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ नगर वाला रास्ता। तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो गाइस ये जैसे आप निकल गए मनाली के मॉल रोड से, यहाँ से आपको जाना है नीचे, ठीक है। अब यहां से आपको मॉल रोड से नीचे उतरते लेफ्ट लेना है। और गाइस यहां से आ जाना आपको अटल टनल वाली रोड पे। यहां से अटल टनल आएगी, रोहतांग पास आएगा, और यहां से अगर आप राइट ले लेते हो ना, तो गाइस ये आप बोर्ड देख सकते हो, ये लिखा हुआ नगर रोड, ये लिखा हुआ है। तो यहां से होते हुए आप जा सकते हो नगर से होते हुए नीचे कुल्लू। तो चलो आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ ये नगर वाला रास्ता। तो गाइस ये बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है, यहाँ से कहीं मुड़ना नहीं होता, बिल्कुल सीधा सीधा होते हुए आपको खुद ही पता लग जाएगा जहाँ पे मुड़ना होगा। सारी गाड़ियाँ उसी साइड जाती हैं। बाकी ये रोड काफ़ी अच्छा है। ये आशापुरी विलेज होटल भी आ गया जहाँ पे मैंने स्टे किया था। तो बस वहीं से सीधा सीधा ही जाना, मैं आपको दिखाता हूँ ये रोड। तो गाइस ये वाला ब्रिज क्रॉस करना है आपको। तो गाइस ये देख लो, यहाँ से आप नीचे चले जाओगे तो आशापुरी विलेज होटल आ जाएगा, यहाँ से ऊपर चले जाओगे तो नगर आ जाएगा। अभी तक तो बिल्कुल स्मूथ और खाली साफ सुथरा रोड चल रहा है। तो गाइस ये देख लो, वो नेशनल हाईवे तो बंद है, इसलिए जो भी बसेस और ट्रक्स है ना, उनका सारा रूट यहाँ से डाइवर्ट किया हुआ है। तो बसेस ट्रक्स भी इसी रास्ते से ही कुल्लू और मनाली से अप डाउन कर रहे हैं। तो गाइस ये देख लो, अब थोड़ा जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया, साइड पे फल वल मिल रहे हैं यहाँ पर। और भाई जंगल वाला रास्ता मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पसंद आता है, कुछ फॉरेस्ट एरिया ना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मैं आदमी जंगली तो नहीं, क्या मेरा नाम पिछले जन्म में टार्जन तो नहीं था? ये देखो, आपको जंगल वाला रास्ता पसंद है? और यार ये जंगल वाला रास्ता ना कुछ ज्यादा ही नीट एंड क्लीन लगता है बाकी के रास्तों के मुकाबले। देखो आप, मजेदार मजेदार भाई। तो गाइस 60 किलोमीटर के करीब ये रास्ता है, ठीक है, और 2 घंटे के आसपास इसमें टाइम लगता है। तो आप देख लो इतना स्मूथ रास्ता है ना, अभी तक तो इतना अच्छा चल रहा है। साथ 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 जंगल है, फॉरेस्ट है, खाली पड़ा है। रास्ते में आपको अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की, खाना पानी, कैफेज, होटल्स, आपको कुछ भी चाहिए सब कुछ रास्ते में मुझे दिख रहा है। बाकी होटल हिमालयन किचन रास्ते में अच्छे खासे होटल पड़ रहे हैं, सब कुछ है, रिजॉर्ट्स हैं। तो भाई रास्ता बहुत अच्छा है। इस टाइम पर अगर आप मनाली आना चाहते हो तो भाई ये रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट है भाई। गाइस इस रास्ते में ना ऐसे ब्रिजेस बहुत सारे हैं, पहाड़ के पहाड़ मुझे लग रहा पार हो जाते हैं। सीधा सीधा रास्ता, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि सारी गाड़ियाँ एक ही साइड जाती हैं, यहाँ एक ही वाहन पार होने की इसमें जगह है, तो एक एक करके जाते हैं। गाइस पिछले दिनों जो भी ट्रक्स आए हैं ना फ्यूल के, वो भी इसी रास्ते से होते हुए आए हैं ऊपर मनाली में। जितने भी ट्रक्स आए हैं ना फ्यूल के, सारे इसी रास्ते से आए ऊपर। तो गाइस ये देखो, ये आ गया पेट्रोल पम्प। मैं अभी करीब करीब 20 किलोमीटर चला हूँ और ये पेट्रोल पंप आ गया। तो रास्ते में आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा। तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये पतली खोल के लिए आपको उल्टा मुड़ना है और भुंतर के लिए सीधा जाना है। कुल्लू भुंतर इस तरफ है और पतली खोल इस तरफ है, तो हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है। इंडिकेशन है, बोर्ड लगा हुआ है, आपको आराम से दिख जाएगा। ये देखो ये भी लिखा हुआ है कुल्लू और नगर और पतली खोल। तो यहाँ से आप चलते हैं इस तरफ, भुंतर आ गई है ना, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस यही रास्ता सही जा रहा था मैं एक बार, लेकिन पूछना कन्फर्म करना सही रहता है इसलिए मैंने पूछ लिया। तो गाइज अभी मैं हूँ ये नगर वाले रास्ते पे और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, ये वो रायसेन वाला जो मैंने आपको मनाली वाले अपडेट में दिखाया था रोड, और ये नेशनल हाईवे है मनाली का, यूजुअल नेशनल हाईवे, जो वहाँ से डैमेज हो चुका है। और मैं यहाँ पर नगर वाले रास्ते पर ऊपर जहाँ से मैं जा रहा हूँ नीचे कुल्लू, तो आप भी इस रास्ते को प्रेफर कर सकते हैं। और अब यहाँ से चलता हूँ नीचे। गाइज सब तो यहाँ नीचे से ही जा रहे हैं, पर मुझे बंदे ने बोला है आप यहाँ से सीधा चले जाओ, इनसे पूछता हूँ। भाई जी भुंतर जाना, भुंतर भुंतर सही कौन सा है?
यहाँ से जाऊँ? वो पीछे बंदा कह रहा आगे से जाओ। यहाँ से सही है? ठीक है, तो गाइस यहाँ से आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। है तो दोनों तरफ से रास्ता, लेकिन यहाँ से थोड़ा तंग रास्ता है, यहाँ से जाते हैं पीछे से। भाई ये कैसे मोड़ेगा यार, ट्रक के ऊपर ही ट्रक है यार। जब तक ये यू टर्न ले रहा है तब तक मैं भी यू टर्न लेता हूँ। मेरा यू टर्न तो हो गया एक बार में। ये भाई देखो डबल ट्रक लेके खतरनाक। तो भाई थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, नीचे वाली गाड़ी आ रही है ऊपर, थोड़ा सा समय लग गया यहाँ पर। तो गाइस ये ट्रक आ गया पीछे, तो गाइस थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा खराब रास्ता है, लेकिन गाइस ये कम से कम नेशनल हाईवे से तो ठीक ही है। इस टाइम नेशनल हाईवे से तो आपको बहुत रिस्क लगेगा यहाँ पर, तो फिर भी ठीक है। देखो बस थोड़ा सा कच्चा रोड ही तो है, और क्या है, पत्थर गिरने का डर तो नहीं है, पहाड़ गिरने का और रोड गिरने का डर तो नहीं है कम से कम। वहाँ पे तो नदी के साथ ही साथ रोड चल रहा है और दूसरी साइड में पत्थर है, कभी भी कुछ भी गिर सकता है। थर्टी सेकेंड्स का एक पैच था जो खराब था पूरे रास्ते में, और अब यहाँ से मैं आ चुका हूँ नेशनल हाईवे पर, यूजुअल वाली रोड पर। वो रायसेन वाला निकल गया जो सबसे ज़्यादा, जिसके आगे से रोड डैमेज था, सबसे पहला था रायसेन वाला। अब यहाँ से ये यूजुअल हाईवे लग चुका है और ये काफ़ी हद तक सही है। तो गाइज ये मैं आ गया हूँ मनाली के यूजुअल नेशनल हाईवे पर, ये आप देख सकते हो सामने। ये जो आपने पीछे वीडियो में देखा ये था नगर का रास्ता, जो कि इस टाइम मनाली जाने का सबसे सेफ रास्ता है मेरे हिसाब से। मैं बहुत सेफली नीचे तक आ गया और बहुत कम टाइम लगा मुझे, और आप सारे ही खराब पैचेस जो भी है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी मनाली आना चाह रहे हैं। बाकी 20 अगस्त 2023 ये था मनाली के रोड का अपडेट। आपको मिलता हूँ किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।